हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनास किचन। आज हम बनाएंगे आलू गाजर की सब्जी। उसके लिए हमें दो छोटे आलू लिए हैं और ये 4 से 5 कप जो है गाजर ली है, सूखा धनिया पिसा हुआ, हल्दी, क्रश पेपर, सौंफ, नमक, जीरा, हींग, आमचूर और ये कसूरी मेथी है और ये कटी हुई अदरक है 1.5 टेबल स्पून और ये एक हरी मिर्च है कटी हुई। और ये थोड़ा सा मैंने पानी रखा है जो कि हमें मसाले डालने के बाद ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी हमने इसमें 2.5 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला है और ऑयल हमारा अब गर्म हो चुका है। हम इसमें अब जीरा डाल देंगे। जीरा जैसे ही सीजल होएगा, इसको मीडियम फ्लेम पर रखा था तेल गर्म करने के लिए, अब हम इसको लो कर देंगे। तो इसमें अब हम अदरक और हरी मिर्च डालेंगे, हल्का सा बस फ्राई करना है। इसमें हम सारे सूखे मसाले बारी बारी डाल देंगे। ये सबसे हमने ये सारे सूखे मसाले जो मैंने इकट्ठे कर रखे थे वो डाल दिए हैं और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन लो फ्लेम पे करना है ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है पानी डाल देंगे। इसमें अब आलू डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और अब हम गाजर, कटी हुई गाजर जो है वो डाल देंगे। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम मिक्स करेंगे तो इसको फ्लेम जो है वो जो मीडियम कर देना है और आलू और गाजर की रेशियो जो है 1/3 आलू होने चाहिए कटे हुए और 2/3 जो है कैरेट होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पे मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से मिक्स हो जाए और स्टीम आने लग जाए। और जैसे ही अभी ये हल्की हल्की सी स्टीम शुरू हो गई है, अच्छे से गर्म हो गए हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे 2 टेबल स्पून और इसको हम गैस को जो है वो कम कर देंगे और इसका हम ढक्कन लगा देंगे। ये ढक्कन हमने अब लगा दिया है और इसको लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट इसको रहने दो। तो अब मुझे ये रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको चेक करती हूँ और हल्का हल्का सीजन भी हो रहा है और इसके आलू जो हैं वो गल गए हैं बिल्कुल, गाजर भी गल गई है, बिल्कुल गल गई है ये। तो अब हम इसको मिक्स करते हैं। देखो पानी बिल्कुल भी नहीं है नीचे और ये ऐसे जो है तैयार हो गई है 15 मिनट स्टीम से और अब ये खाने के लिए रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। ये बहुत ज़्यादा क्विक और इजी रेसिपी है। इसके साथ साथ आप साथ में रोटी बनाएं और एक साइड में सब्जी बनाएं, आधे घंटे में सब कुछ तैयार हो जाएगा। थैंक यू।